हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए है बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी करते हैं। एक नंबर शुरू करते हैं। जन्म के समय चोट या भ्रूण की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? ए जैविक मंदता, बी पारिवारिक मंदता, सी आकस्मिक मंदता या डी चिकित्सा मंदता। तो इसका आंसर है ए जैविक मंदता। आगे जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ए 11 से 120, बी 81 से 110 या सी 71 से 80 या डी 71 से कम। तो इसका आंसर है डी 71 से कम। आगे निम्न में से अधिक तनाव का काल कौन सा है? ए शिशुवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था या डी प्रौढ़ावस्था। जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर बी है किशोरावस्था। आगे राष्ट्र पाठचर्या के रूप रेखा राष्ट्र पाठचर्या के रूप रेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है? ए एक भाषा के लिए, बी द्विभाषा के लिए या सी तीन भाषा के लिए या डी बहुभाषा के लिए। तो इसका आंसर है सी तीन भाषा के लिए। आगे बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? जी हाँ, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? एक बार फिर सुन लें। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? ए अष्टन, बी बीने, सी टर्मेन या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है टर्मेन। आगे कौन सी पाठ सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है? ए अभिनय, बी खेलकूद, सी निबंध लेखन या डी वाद विवाद। तो इसका आंसर डी है वाद विवाद। आगे भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं? ए जागरूकता से या बी कुप्रबंधन से या सी कड़ाई होने से या डी अधिक सुविधाओं से। तो इसका आंसर बी है कुप्रबंधन से। आगे प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, मतलब किसके द्वारा किया जाती है? एक बार फिर सुन लें। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। ए भारत सरकार द्वारा, बी राज्य सरकार द्वारा, डी सॉरी सी जिला बेसिक शिक्षा अधिकार द्वारा या डी अभिभावक द्वारा। एक बार फिर सुन लीजिए। ए सरकार द्वारा, बी राज्य सरकार द्वारा या जिला बेसिक शिक्षा अधिकार द्वारा या डी अभिभावक द्वारा। जी हाँ, तो इसका आंसर है बी राज्य सरकार द्वारा। भारत सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है, न जिला बेसिक द्वारा और न अभिभावक द्वारा, यह दिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। आगे लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा? ए अवलोकन करने का, बी निरीक्षण करने का या सी निष्कर्ष करने के या उपयोग सभी। तो इसमें उपयोग सभी। अवलोकन करने के लिए होता है, निरीक्षण करने के लिए होता है और निष्कर्ष करने के लिए भी होता है। उपयोग सभी तीनों हैं। आगे समस्या हमारी और हम भी हमारा लक्ष्य है। समस्या हमारी और हल भी हमारा लक्ष्य है। इसमें से कौन सा सही होता है? ये मौलिक शोध का, व्यवहारिक शोध का या सी क्रियात्मक शोध का या डी उपयुक्त सभी का। तो इसमें से सी है क्रियात्मक शोध का। आगे मापन का समान सिद्धांत संबंधित है? ए गणित से, बी विज्ञान से, सी भूगोल से या डी अर्थशास्त्र से। इसका आंसर ए है गणित से।
आगे क्विज, वाद विवाद एवं अंत्याक्षरी भी एक रूप होते हैं ए प्रयोगात्मक प्रविधि के, बी समूह चर्चा प्रविधि के, या सी कार्यशाला प्रविधि के, या डी कहानी कथन प्रविधि के। तो इसका आंसर है समूह चर्चा प्रविधि के। आगे डिसलेक्सिया मुख्यतः किस समस्या के साथ संबंधित है ए पढ़ने के साथ, बी लिखने के साथ, सी बोलने के साथ, या डी बोलने और सुनने दोनों के साथ। तो इसका आंसर ए है पढ़ने के साथ। आगे बुद्धि के तरल मोजेक मापन किसने दिया बुद्धि के तरल मोजेक मापन किसने दिया ए केटल ने, बी गिलफर्ड ने, सी थर्स्टन ने, या डी स्पीयरमैन ने। तो इसका आंसर ए है केटल ने। आगे जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया ए वर्ष 1975 में, बी वर्ष 1971 में, सी वर्ष 1990 में, या डी वर्ष 1982 में। तो 1971 में बी इसका आंसर है। आगे वाद विवाद प्रविधि के खोजकर्ता हैं ए हैरी ए आवार्ड स्ट्रीट, या ए नहीं एंड होगा, हैरी एंड आवार्ड स्ट्रीट, जी हाँ यहाँ एंड, हैरी एंड आवार स्ट्रीट, यहाँ बताइए, बी डल्टन, सी फॉवेल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए हैरी एंड आवार स्ट्रीट। आगे थंडाइक के कितने मुख्य नियम है, यहाँ थंडाइक महोदय के कितने मुख्य नियम है ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका आंसर ए है 3। आगे निम्नलिखित में से थंडाइक का सिद्धांत कौन सा है ए प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत, बी सूक्ष्म ये का सिद्धांत यानी सूझ का सिद्धांत, बी सूझ का सिद्धांत, सी उपयुक्त दोनों, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए है प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत थंडाइक महोदय ने दिया था। आगे थंडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था ए बिल्ली पर, बी कुत्ते पर, सी शेर पर, या डी गाय पर। तो इसका आंसर ए है बिल्ली पर। आगे श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है ए कान के बहरा, बी कान के अंदर, या सी कान के मध्य, या ये सभी। बस ये सुन लीजिए, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है ए कान के बाहर, बी कान के अंदर, सी कान के मध्य, या ये सभी। तो इसका आंसर ये सभी डी आंसर है। आगे सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है ए कोहलर से, बी वाइगोत्स्की से, या सी जीन पियाजे से, या डी वाटसन से। तो इसका आंसर बी है वाइगोत्स्की से। अगर यहाँ तक मित्रों बने हैं तो एक लाइक तो जरूर बनता है। शुक्रिया, धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।